वहाँ भेज जाएगी तुरंत गहरे में। ये देखो क्या गड्ढा बना रहा है अधिकांश। तो ये देखिए ये नदी है और ये हमारा नीचे खेत है। तो यहाँ पे जुताई हो चुकी है पूरी और हम लोग यहाँ पे आए पार्टी करने। तो हमने समोसे वगैरह भी ले लिए हैं साथ में और वहीं पे जाके समोसे खाएंगे। और मम्मी और दीदी पहले ही वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों ये छोटे छोटे बेर इस पर उगना चालू हो गए हैं। ये जो हमारे खेत पे ये लगा है बेरी का पेड़, तो ये देखिए ये लगी हुई है छोटी छोटी बेरी। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं यहाँ से बेर तोड़ के खा रहा था। तो साथ में आए देखिए बीहू और अधिकांश, तो ये लोग भी साथ में यहीं पे एंजॉय करेंगे। तो कैसा लग रहा है अधिकांश, देख के आना तार देख के आना। तो दोस्तों यहाँ आके बारी लगी हुई है, यहाँ से रास्ता नहीं है नीचे उतरने का, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो पहले ही दीदी वहाँ से चिल्ला के बोल रही थी कि वहाँ से नीचे उतर जाओ, लेकिन हमें कहीं रास्ता ही नहीं दिखा था। अब वापस जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ आगे रास्ता होगा नीचे उतरने का, तो वहीं से उतरना पड़ेगा हमें। तो आ जाओ सब लोग, वहीं से वो चिल्ला रही थी यार। तो हमारे जिया जी को खेत वगैरह में आना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें बड़ी उलझन होती है, लेकिन आ गए हमारे साथ बोलने से। तो अब देखते हैं कैसा लगता है उनको। आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो ये देखिए बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। जिया जी ने खुद ही बोल दिया मुझे मज़ा नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों यहाँ सब जगह अभी जुताई चल रही है और पानी दिया जा रहा है खेतों को। तो ये नदी से पानी लेके यहाँ खेतों को सींचा जाता है। तो दोस्तों ये देखिए ये जंगली इलाका है, यहाँ से उतर के हमें जाना पड़ेगा और ये खतरों से खाली नहीं, एडवेंचरस है बिल्कुल। तो पहले मैं जाता हूँ, आप लोग आना ठीक है बाद में। तो ये देखिए दोस्तों जिया जी और बच्चे कैसे आ रहे हैं। कोई देखो यहाँ पे गहरा गड्ढा भी है, यहाँ गहरा गड्ढा है तो यहाँ देख के आना, आ जाओ यहाँ से किनारे किनारे। और दोस्तों ये बिल्कुल जंगली इलाका है, झाड़ियाँ यहाँ पे सांप वगैरह बिच्छू भी हो सकते हैं। तो ये देखिए हमें ऐसे उतर के फिर वहाँ नीचे उतर के जाना है नदी के पास। तो यहाँ से चलो उतरते हैं। वो तो काफ़ी डर लग रहा है और यहाँ पे ढलांग भी है तो काफ़ी फिसलन है, तो संभल के आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जंगली चीटों का घर भी है और देखो कितने सारे चीते हैं। दोस्तों मैं तो उतर आया हूँ, ये देखो कितनी ढलांग है और बच्चे देखो कैसे आ रहे हैं। अधिकांश देख के आना। और चक्कर क्या है कि हमने जूते नहीं पहन रखे, चप्पल पहनी है तो चप्पल में ज्यादा फिसलन हो रही है। और यहाँ देखो दोस्तों कितना शानदार नजारा है नदी के किनारे, ये देखो बहुत ही दोस्तों यहाँ पे अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और वो देखो मम्मी और वो दीदी घूम रही हैं, और दीदी और मम्मी ने पानी और यहाँ पे बिछाने के लिए जो चादर लाए थे वो यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से देखो कितना खतरनाक था ये रास्ता। लगी तो नहीं अधिकांश कहीं कांटा लग गया देखो उसे। अरे यार तो ये देखो जिया जी कांटा निकाल रहे हैं उसका, निकल गया। दोस्तों हम लोग तो पहुंच गए नदी किनारे खेत में, अब यहाँ पे प्यास लगी हमें जम के, तो पहले पानी पियेंगे फिर चलेंगे दीदी और मम्मी के पास। तो चलिए चलते हैं, हाँ अभी तो बहुत दूर हैं उस तरफ है खेत के, तो चलिए पानी पी के चलते हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी नदी के पास और देखते हैं वहाँ की। पानी का बहाव भी काफी अच्छा है और काफी सुंदर नजारा है नदी का, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे मछलियाँ भी हैं नदी में, वो देखो ये मछलियाँ भी हैं छोटी छोटी। और ये देखो पानी का बहाव भी काफी अच्छा है।
हाँ ड्रैगन फ्लाई वहाँ बैठा हुआ है। वो दोस्तों नीचे काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे दिख रही हैं, क्योंकि एकदम साफ पानी है तो चमक रही है जब पलटती हैं तो काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। वही देखो पानी का बहाव भी काफ़ी अच्छा है, एकदम साफ पानी है। तो हम दोस्तों कपड़े भी लाए हैं, यहीं पे हम लोग नहाएंगे अभी कुछ देर बाद। तो दोस्तों आपको हमारे गांव का और खेत का और ये नदी का नज़ारा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का ये वीडियो हमारा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम कभी कभार दोस्तों गाँव में आते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस नदी में दोस्तों हम बचपन में खूब नहाए हैं और आज फिर से नहाने वाले हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हम अभी नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं मम्मी और दीदी के पास, और मम्मी वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लाई थी भोपाल से तो उनको वहाँ लगा रही है। तो ये देखिए दोस्तों मम्मी यहाँ पे ये मम्मी क्या बोलते हैं इसको, बंधान बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये नदी किनारे ये बंधान है और यहाँ मम्मी पेड़ लगा रही है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों देखिए हमारा यहाँ से खेत कट रहा है और यहाँ से जब नदी का पानी आ जाता है ना तो एक मिट्टी घटती है, तो मम्मी यहाँ किनारे किनारे पेड़ लगा रही है। तो मम्मी ने अभी कौन सा पेड़ लगाया मम्मी? एक खजूर का पेड़ है और एक कटहल का पेड़ भी मम्मी ने लगा दिया है, तो दो पेड़ वहाँ पे लगा दिए हैं। और आगे दोस्तों देखिए वो कितना बड़ा गड्ढा हो गया है, वहाँ पर लगता है नदी की भंवर पड़ती रही है तो काफ़ी मिट्टी कट गई थी, वो बहुत गहरा गड्ढा हो गया। तो वो देखिए दोस्तों जे जी आ रहे हैं वहाँ से, और अभी उन्हें यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ बेशरम के ना। तो दोस्तों ये देखिए ये है बेशरम का फूल, इसको बेशरम का पेड़ बोलते हैं और ये दवाई के काम भी आता है। तो ये देखिए दोस्तों ये मम्मी लाई है अशोक का पेड़, और ये है नींबू का पेड़, तो ये है अमरूद का पेड़। तो नींबू के दो तीन पेड़ भी हैं और अमरूद के दो पेड़ हैं, तो आम के लगा दिए हैं, तो ये काफ़ी पेड़ हैं, बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। तो वो देखिए वहाँ पे भैंसे कैसे नदी में आराम से बैठी हुई हैं, ठंडे पानी का आनंद ले रही हैं धूप में। ये देखो कितने अच्छे से बैठी हुई हैं, आराम से नहा रही हैं नदी में। तो ये देखिए दोस्तों हम नदी के अंदर आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो बच्चों को कितना मज़ा आ रहा है पानी में।